ये है आरजे मीडिया और आप देख रहे हैं न्यूज अभी अभी, खबर, तहकीकात, हकीकत। सहारनपुर शहर में दिन दहाड़े पत्रकार और उसके भाई की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना के बाद उत्तेजित भीड़ पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। लाठीचार्ज में कई महिलाएं गिरकर घायल हो गईं। हालांकि आला अधिकारियों ने लाठीचार्ज से इनकार किया है। दिन दहाड़े डबल मर्डर से इलाके में तनाव है। आरोपी मौके से फरार है। मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई है। सहारनपुर के थाना सिटी कोतवाली क्षेत्र के माधव नगर में पत्रकार आशीष धीमान और उनके छोटे भाई आशुतोष धीमान की पड़ोस में ही रहने वाले माहीपाल और उसके दो पुत्रों ने घर में घुसकर अवैध हथियारों से ताबड़तोड़ फायरिंग कर हत्या कर दी। आशीष और महिपाल के परिवार में गोबर और कूड़ा डालने को लेकर विवाद चला आ रहा था। आज सुबह भी दोनों परिवारों के बीच इसी बात को लेकर कहासुनी हुई और देखते ही देखते महिपाल सैनी और उनके पुत्र सनी सैनी और प्रिंस सैनी ने अवैध तमंचों से पहले आशुतोष और फिर आशीष को ताबड़तोड़ फायरिंग कर मौत के घाट उतार दिया। आशुतोष ने मौके पर जबकि आशीष ने जिला अस्पताल में दम तोड़ा। हमलावर डबल मर्डर की घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। आशीष धीमान दैनिक जागरण में संवाददाता थे जबकि उनका छोटा भाई आशुतोष आईटीआई कर रहा था। आशीष के पिता की मृत्यु 2 साल पहले कैंसर की बीमारी से हो चुकी है। उनकी शादी 1 साल पहले ही हुई थी और उनकी पत्नी गर्भवती है। हत्यारोपी महिला सैनी का परिवार 2 साल पहले ही आशीष के पड़ोस में रहने आए थे। मूलत जनपद शामली थाना झिंझाना क्षेत्र के निवासी महिपाल और उसके दोनों बेटे आपराधिक प्रवृत्ति के बताए जा रहे हैं जो अवैध शराब के धंधे में लिप्त थे। ये भी बताया जा रहा है कि 2 साल पहले आशीष ने इनके अवैध धंधों से संबंधित कई खबर प्रकाशित की थी जिसके बाद ये लोग आशीष से रंजिश रखने लगे थे। मौके पर फिलहाल भारी फोर्स तैनात किया गया है। आरोपियों के मकान को पुलिस ने सील कर दिया है। शासन की ओर से फिलहाल आशीष के परिवार को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा की गई है। इस सनसनीखेज वारदात से नाराज लोगों ने फिलहाल जाम लगाया हुआ है। घटना से जिले भर के पत्रकारों में भारी रोष व्याप्त है। खत्म कर दी। कुछ नहीं रहा घर में। दो औरतों के सिवाय कुछ भी नहीं रहा। कुछ भी नहीं छोड़ा। घर में घुस के मार के गए। मेरा नाम दीपा है जी। क्या हुआ? ऐसा है जी, मेरी बात सुनो। दोनों बच्चे घर में ही थे। कह रहे घर में पढ़ के अब गोलियां मारी हैं। ये कोई तरीका नहीं। हमें खून नहीं चाहिए। खून के बदले खून चाहिए। हमें और कुछ नहीं चाहिए। हमें खून ही चाहिए। कैसे भागे वो? कैसे भागे? हराम जाने कैसे भागे वो कुत्ते? हमें चाहिए वो अपराधी चाहिए। हमें और कुछ नहीं चाहिए। हम सामने गोली मारेंगे जैसे उनने घर बर्बाद करा इनका। उनमें भी बर्बाद होना चाहिए। आपका नाम? शिखा। थोड़ा जोर से बोलो। मेरा नाम शिखा है। मैं गौरी की बहन हूँ। गोली चलाई गई उनकी बहन। सुबह सुबह दोनों को घर पे मारा गया। बड़े को आशीष को 3 गोली और छोटे को 2 गोली मारी गई। सुबह से ये टाइम हो गया। हम यहाँ खड़े नारे लगा रहे हैं। यहाँ अभी तक उनका पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ है। पुलिस यहाँ हमें घेरे खड़ी। सुबह से पुलिस हमें यहाँ घेरे खड़ी है। लेकिन कातिलों को नहीं अभी तक कुछ भी पता है कि कहाँ है। अब क्या चाहते हैं आप? क्या करवाए? एक पत्रकार की हत्या कर दी गई घर में। पत्रकार की हत्या कर दी। पत्रकार कहाँ रहेंगे? उनके ऊपर हेड हो रहा है। और भी किसी को मारेंगे पत्रकारों को। ये 9 बजे की घटना है और अब तक के कोई गिरफ्तारी नहीं। दो भाई हैं आशीष। उसने 3-4 दिन पहले ही दैनिक जागरण ज्वाइन किया था। वो पत्रकार हैं पेशे से। दोनों भाई हैं। सुबह 10 बजे की घटना बताई जा रही है जहां इनका पड़ोसियों से विवाद होता है कूड़े और गोबर को डालने को। पूर्व में भी इनका विवाद हुआ था तो आज विवाद बढ़ जाता है। इसी क्रम में दोनों भाइयों को गोली मारी गई है। दोनों की मृत्यु हो गई है
और इसमें मतलब पंजीकृत करा करके आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सर क्या कुछ कोई गिरफ्तारी अभी तक हुई है? इसमें टीमें लगाई गई हैं, चार पांच टीमें गठित करके अलग अलग जगह भेजी जा रही हैं। जो अक्यूज हैं मूल निवासी वो शामली के बताए जा रहे हैं, तो टीमें अलग अलग जगह भेज करके उनको जल्द ही गिरफ्तार कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। किस तरह का वेपन इस्तेमाल किया गया? अभी इस संबंध में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, सब विवेचना का पार्ट है, तो विवेचना में ये सब चीजें देखी जाएगी। मौके पर हंगामा भी किया गया है, हंगामा भी यहाँ किया गया, पुलिस के द्वारा हल्का लाठीचार्ज भी किया गया, कुछ ये जानकारी नहीं है ऐसा कुछ। मेरे सामने तो उनके जो अतौल जी आए हैं उनसे वार्ता की गई है, बताया गया है कि आप तत्काल तैयारी दें और मतलब आपने जिक्र कराया है। एक आशीष और आशुतोष नाम के दो नौजवान लड़के हैं, उनका मर्डर हुआ है, उनके पड़ोसी ने ही इनको गोली मार के हत्या किया है, नाजायज असलों। तो एक ये आशीष सनाफ स्वर्गीय बिट्टू और आशुतोष सनाफ स्वर्गीय बिट्टू, ये दोनों सगे भाई हैं और ये माधव नगर में रहते हैं, थाना कोतवाली नगर क्षेत्र में। इनके पड़ोसी है महिपाल सैनी और इनके दो और लड़के हैं। सुबह गोबर डालने को लेकर दोनों पक्षों में झगड़ा हुआ है और झगड़े के बीच में ही ये महिपाल और उनके लड़के और उनके परिवार वालों ने इनके घर पे घुस के इनके इन दोनों भाइयों को गोली मार के हत्या किया है। तत्काल वहाँ लोकल मौजूद लोगों के द्वारा इनको हॉस्पिटल ले गया है, डॉक्टर ने उनको मतलब ब्रॉड डेड डिक्लेयर कर दिया है। तीन टीम हमलों के द्वारा गठित किया गया है, तीनों टीमों लगातार दबिश दे रहे हैं हथियारों को पकड़ने के लिए। फिलहाल वो जो है भागे हुए हैं, असला सहित भागे हुए हैं। तो पुरानी रंजिश नहीं थी कोई? अब ये पूछताछ के विषय है, हम लोग जांच लगातार कर रहे हैं, बट सुबह इस बात के लिए झगड़ा हुआ है कि कोई गोबर डालने को लेकर विवाद हुआ है। सहारनपुर में आज कोतवाली से अंदर माधव नगर में दिन दहाड़े दैनिक जागरण के पत्रकार आशीष दीवान, उनके छोटे भाई आशुतोष दीवान की लाठी डंडों से पीटने के बाद गोली मारकर हत्या कर दी। सहारनपुर को ला देने वाली घटना पूरी मीडिया को खत्म करने वाली घटना, मीडिया सूखा फूल है, सुबह को नहीं आक्रोश सकती, उम्मीद नहीं की जा सकती कि दिन दहाड़े खुलेआम बदमाश इस तरह से परिस्थिति कर सकते हैं। छोटी बात में विवाद, कूड़ा डालने को विवाद, गोबर डालने को विवाद, छोटे विवाद में हथियारों के साथ हत्या करना, लाठी डंडों से मारना, मैं मानता हूं एक छोटा विवाद नहीं, कहीं ना कहीं षड्यंत्र है, नहीं तो साजिश है। क्या पहले उनका विचार इन्हें मारने का था? इसी विचार के साथ वो लाठी डंडे हथियार लेकर मारने गए? क्षेत्र के लोग बता रहे हैं, अधिकारी लोग बता रहे हैं, इस परिवार का इतिहास शुरू से बदमाशी वाला है। दो तीन साल पहले शामली जिले से सहारनपुर रहना, दो साल पहले भी क्षेत्र में बदमाशी करना, शराब पिस्टल लेकर चलना, आशीष दीवान का कसूर क्या? क्या पत्रकार का निभाना भी कोई पाप है? यदि उसने कोई साल डेढ़ साल दो साल पहले कोई न्यूज छाप दी, अभी शराब का धंधा करते हैं, क्या जब से दूसरों नहीं बना रहे थे, क्या जब से इनकी योजना थी? कुछ भी हो, एक पत्रकार साथी उसका भाई अब हमारे बीच में नहीं। सबसे बड़े दुख की बात यह है कि परिवार में कोई करने वाला नहीं। आशीष के पिताजी का कुछ साल पहले ध्यान था, आशीष का विवाह डेढ़ साल पहले हुआ, आशीष की पत्नी गर्भवती पाई गई, सिर्फ दो भाई, छोटा भाई 18 साल का नहीं देखे जा, दोनों भाई की हत्या कर दी गई, घर में तीन लोग बचे, आशीष की माता जी, आशीष की गर्भवती पत्नी 90 वर्ष से आशीष की दादी थी, मात्र तीन महिलाएं कैसे जीविका चलेगी, कैसे जीवन चलेगा? पति ने भी जिससे जीवन में देखा ही नहीं, इंसानियत के कसूरों में जो कांड किया है उनको कठोर सजा मिलनी चाहिए, उन केस की जांच होनी चाहिए, पूरी सारी सामने आनी चाहिए। 5-5 लाख की मुआवजा सरकार द्वारा घोषणा किया गया, मैं मांग करता हूं कम से कम 50 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए, आशीष जी की पत्नी को नौकरी दी जाए, जिन लोगों ने इस कांड को किया
उन लोगों को कठोर सजा मिले। माना जा सकता है परिवार में कोई पैरवी करने वाला नहीं है। सिस्टम क्या होगा? सिस्टम यदि गिरफ्तार कर दिया, जमानत हो जाएगी, कौन गवाही देगा, कौन पैरवी करेगा? जिसके घर में खाने को, अपनी जीविका चलाने का कोई साधन नहीं, वो क्या कोर्ट में पैरवी करेगा? क्या मान सकते हैं कुछ क्षेत्र में कोई ऐसा है जो गवाही के लिए सामने आएगा, जिससे पूरा क्षेत्र आतंकित हो, जिससे पूरे क्षेत्र में दहशत हो? क्यों नहीं आज तक पुलिस ने उस पार डाला? क्या क्षेत्र के लोगों ने शिकायत नहीं की? मैं यही बात कहना चाहूंगा सहारनपुर के पत्रकारों के लिए, आपसी एक दूसरे में झांकना छोड़ दें, एक दूसरे से लड़ना छोड़ दें। जब ये एकजुट नहीं हुए, अब एकजुट होकर लड़ाई नहीं लड़ी, एकजुट होकर उस परिवार के लिए आके नहीं आए, हो सकता अगला निशाना आप हो या हमने से कोई हो। मैं पुलिस प्रशासन से मांग करता हूं कि उन आरोपियों के साथ कड़े से कड़ा सजा देने का प्रावधान करें। ऐसे लोग जमानत के हकदार नहीं, ऐसे लोग जैसे एक कुख्यात बदमाश हो, ऐसे लोगों को का इलाज भी जैसे पूर्व हम देखते हैं मुठभेड़ी है। ओके, आज सहारनपुर में हमारे एक नौजवान पत्रकार आशीष कुमार धीमान की और उनके भाई आशुतोष की एक दुस्साहसिक तरीके से निर्ममतापूर्वक हत्या कर दी गई। ये केवल एक हत्याकांड नहीं बल्कि पूरी पत्रकार बिरादरी के लिए चुनौती है, जो बेहद सुनियोजित तरीके से अंजाम दी गई है। मैं मौके पर गया, लोगों से बात की, वहां जो तमाम तरह के सवाल खड़े हुए पुलिस प्रशासन को बेहद संजीदगी के साथ उन तमाम सवालों का जवाब देना होगा। एक जो सबसे गंभीर बात इस मामले में सामने आ रही है वो ये है कि आशीष ने तकरीबन 2 साल पहले एक दैनिक समाचार पत्र में हमलावरों के विरुद्ध एक स्टोरी प्रकाशित की, जिसमें उसने इस बात का खुलासा किया था कि हरियाणा से शराब तस्करी करके ये लोग लाते हैं और अपने घर पर परचून की दुकान की आड़ में उसको बेचते हैं। मुझे लगता है कि ये घटना उसी की रंजिश थी। अगर पुलिस प्रशासन ने समय रहते इस बात के ऊपर ध्यान दिया होता, गंभीरता से इस पर कार्रवाई की होती, तो हो सकता है कि आरोपियों के हौसले वो इस कदर बुलंद ना होते कि वो एक नौजवान पत्रकार और उसके भाई की हत्या की साजिश रच पाते। ये हत्याकांड तमाम पत्रकार बिरादरी के लिए भी एक चुनौती है। पत्रकार एक ऐसी बिरादरी है जो दूसरों की खबरें बनाती है, दूसरों के उत्पीड़न की आवाज उठाती है, दूसरों के खिलाफ होने वाले अत्याचार को खबर बनाती है, लेकिन अपने मामलों में नियति पर मामले को छोड़ देते हैं और एक ऐसी व्यवस्था से न्याय की उम्मीद रखते हैं जिससे साल दर साल सिवाय सड़ांग उठने के और कोई अपेक्षा नहीं की जा सकती। वहां मौके पर लोगों ने बहुत साफ तरीके से पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों के समक्ष ये बात कही है कि जो हमलावर हैं, आरोपी हैं, वो बेहद दबंग किस्म के थे, वो आपराधिक प्रवृत्ति के थे। लोगों ने बताया कि वो 2 साल पहले शामली जिले के झिंझाना थाना क्षेत्र से यहां आकर के बसे थे और लोगों ने पुलिस अधिकारियों के सामने यहां तक बताया कि वो बाप बेटे अगर बार्बर की दुकान पर हेयर कटिंग या शेविंग भी कराने आते थे तो अपनी एंटी से तमंचे निकाल करके सामने रखते थे। अगर ये वास्तव में सही बात है तो बेहद गंभीर है और पुलिस के मुखबिर तंत्र पर भी सवालिया निशान है। क्या पुलिस का मुखबिर तंत्र निष्क्रिय था? और अगर सक्रिय था तो फिर पुलिस क्यों निष्क्रिय थी? हत्या के आरोपियों को कहीं कोई राजनीतिक संरक्षण को प्राप्त नहीं है?
क्योंकि मौके पर हम लोग देख रहे थे कि मरने वाले और मारने वालों की पुलिस अफसरों से लखनऊ में बैठे हुए लोग, लखनऊ में बैठे हुए अफसरान जातियां पूछ रहे थे और वो बता रहे थे। मैं सहारनपुर ही नहीं आसपास के जिलों के सभी पत्रकारों से आह्वान करता हूं, आशीष चूंकि अपने परिवार में अकेला कमाने वाला था, उसका भाई छात्र था, अभी पढ़ाई कर रहा था, तकरीबन 1.5-2 साल पहले आशीष के पिताजी की गंभीर बीमारी के चलते मृत्यु हुई थी, पूरे परिवार का बोझ वो अकेला उठा रहा था। ऐसे में सभी पत्रकारों का दायित्व है कि वो आर्थिक मदद के लिए आगे आए, जितना जिससे जो भी बल पड़ता है उसके परिवार की आर्थिक मदद करें। पुलिस प्रशासन हमलावरों को तुरंत गिरफ्तार करें, उनके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए और भविष्य में कोई पत्रकारों के ऊपर हमला ना करे, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए मैं शासन से मांग करता हूं कि इस डबल मर्डर की जांच त्वरित गति से कराते हुए फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसका मुकदमा चलाया जाए और अधिकतम 1 साल के भीतर। ये है आरजे मीडिया और आप देख रहे हैं न्यूज़ अभी अभी, खबर तहकीकात हकीकत।